आपका ये जो कार्यक्रम है, आपने कुछ पत्र भी लिखा है शायद, तो ये पत्र किस संबंध में है? ये संबंध में है कि मेरठ में अमर हुतात्मा नाथूराम गोडसे की विश्व की प्रथम प्रतिमा स्थापित हुई। तो जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने स्थापित की, वो सच्चे गोडसे भक्त हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 28 मई को ये कहा था कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी जिस जेल में भी रहे हैं, वो जेल एक पवित्र स्थान और पूजनीय स्थान बन गया है। उस स्थान का हर भारतीय को दर्शन करना चाहिए। इस विषय में हम लोगों का ये मत है कि नाथूराम गोडसे वीर सावरकर जी के अनन्य भक्त थे, उनके परम शिष्य थे। और गांधी मर्डर केस में सावरकर जी 9 महीने तक नाथूराम गोडसे जी के साथ जेल में बंद रहे। हालांकि वो बाद में न्यायालय से बरी हो गए, बाइज्जत बरी हुए, गोडसे जी को फांसी हुई। तो इसमें उनके शिष्य और गुरु के संबंध को तो नकारा नहीं जा सकता। तो यदि आप सावरकर जी का सम्मान करना चाहते हैं तो आपको गोडसे का भी सम्मान करना चाहिए। फिर भी अगर ये लोग नहीं करते हैं तो हमारा कार्यकर्ताओं का मत है कि मैं इस समय जीवन के अंतिम प्रहर में चल रहा हूँ और मैंने सारा जीवन गोडसे के विचारों के लिए अपना होम किया है, तो मेरी इच्छा ये है कि जहाँ पर गोडसे जी को फांसी दी गई थी अम्बाला जेल में, मैं उस भूमि पर जाकर अपना सिर उस जमीन से रगड़ कर उन्हें नमन करूँ और दंडवत करूँ और उस जगह को जो है कुछ पहाड़ से सुसज्जित कर कर अपना जीवन सफल करूँ। क्योंकि गोडसे जी की और तो कोई निशानी मिल नहीं सकती। उनकी अस्थियां हम प्रवाहित इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तान समाप्त हो जाए तो मेरी अस्थियां सिंधु नदी में प्रवाहित की जाएं।